हाँ, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। और उसमें बेटे हम लोगों ने ना क्या क्या काम कर चुके हैं। एक तो सबसे पहला पार्ट किया फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, हेजर्स आर्बिट्रेजर दोनों। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, उसके बाद पढ़ा फाइनेंशियल स्वैप, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, स्वैप कोटेशंस वगैरह, बहुत सारी चीजें पढ़ा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था। और अब चल रहा पार्ट नंबर 4, इंटरेस्ट रेट कैप फ्लोर एंड कॉलर्स। और इसके बाद लास्ट बचा है, और वो बचा है स्वैप वैल्यूएशन एंड स्वैप प्राइस। बस हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो उसमें से हम पढ़ रहे हैं अभी इंटरेस्ट रेट कैप क्या होता है, कॉलर क्या होता है, फ्लोर क्या होता है। अच्छा एक बात बताऊं, कॉल ऑप्शन सुना है आपने? कॉल ऑप्शन, हाँ सर, डेरिवेटिव अभी अभी कंप्लीट किया तो कॉल ऑप्शन तो पता होगा सर। कॉल ऑप्शन का मतलब राइट टू बाय, बुक की लैंग्वेज छोड़ो। कॉल ऑप्शन कब खरीदते? जब हमको ऐसा लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। यस, और ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है? जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज, एग्जैक्टली। और अगर शेयर का प्राइस गिरा तो लैप्स। अच्छा, कॉल ऑप्शन, ऑप्शन में हम लोगों को ना एडवांस में कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। तो दो टाइप के ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन कब प्राइस बढ़ेगा तो फायदा, पुट ऑप्शन कब जब प्राइस गिरेगा तो फायदा। ऐसे ही यहाँ कैप एंड फ्लोर चलता है। अच्छा सर, कैप का मतलब क्या होता है? कैप का मतलब कॉल ऑप्शन समझ लेना, और फ्लोर का मतलब पुट ऑप्शन। आपको पता लाइबोर के रेट, फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग ये तो चेंज होते रहते हैं भाई। आने वाले दिनों में रेट क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, पर किसी को ना किसी को ऐसा लगता होगा कि रेट बढ़ेगा। तो वो कौन सा कैप खरीद ले, जिसको ऐसा लग रहा है रेट बढ़ेगा वो कैप खरीद ले। हालांकि ऑप्शन नहीं है, पर ऑप्शन की ही तरह है। और रेट बढ़ेगा तो फायदा, और रेट मान लो हमने कैप खरीदा और रेट कम हो गया तो गया पैसा, प्रीमियम ही तो जाएगा बेटे। फ्लोर, फ्लोर मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि रेट कम होगा, चलो तो फ्लोर खरीद लेते हैं। रेट कम हुआ तो एक्सरसाइज कर लेंगे, और रेट बढ़ गया तो लैप्स, प्रीमियम ही तो जाएगा। प्रीमियम कब देना है? एडवांस में। पर फिर भी बुक की लैंग्वेज पे चलना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा धीरे करते ज्यादा अच्छा। बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि दो तरीके से मुझे समझाना, एक स्पेकुलेशन समझाना और एक हेजिंग समझाना है। तो दोनों ही तरीके से बात कर लूं, अभी मैं थोड़ा सा स्पेकुलेशन के एंगल से बात कर रहा था, अब हेजिंग। बुक में लिखा है कि मान लो किसी फर्म ने लोन ले रखा, लोन, अब लोन ले रखा है तो भाई, और वो भी फ्लोटिंग रेट पर। तो फ्लोटिंग रेट पे लोन ले रखा है लाइबोर पर, आप पैसे समझ लीजिए। तो किस बात का डर सर? डर है कि कहीं फ्यूचर में 5-10 सालों के लिए लोन है, कहीं रेट बढ़ेगा तो हमको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहीं रेट बढ़ गया तो कुछ कर सकते हैं, कि यस हम कैप खरीद लेते। नो डाउट रेट बढ़ेगा तो हमको ज्यादा देना पड़ेगा, पर कैप एक्सरसाइज कर लेंगे और उससे पे ऑफ आ जाएगा। और सर रेट कम हुआ तो भी कोई इश्यू नहीं, रेट उधर कम देना पड़ेगा और इधर गया तो क्या गया, प्रीमियम ही तो गया। ये कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ऐसा है कि मेथड्स ये रहेगा कि हम इस टॉपिक को कवर कैसे करेंगे। कवर ऐसे होगा, पहले मैं कैप, फ्लोर, कॉलर तीनों चीज समझा दूंगा, और फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में कैटेगरी वाइज मैंने बांट दे रखा, एक स्पेकुलेशन वाला क्वेश्चन रहेगा, स्पेकुलेशन जनरली। दूसरा रहेगा हेजिंग वाला, उसमें प्रीमियम को एमोर्टाइज कैसे करना है प्रैक्टिस में का क्वेश्चन है। तो क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ये सब समझाते हुए काम करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते कि क्या होता है। याद रखना, समझना है डेरिवेटिव अभी पढ़ा हुआ, कैप का मतलब कॉल ऑप्शन समझ लेना, फ्लोर का मतलब पुट ऑप्शन समझ लेना। और याद करो बेटे, स्ट्रेटजी भी तो बनाया था हमने, बुल, बियरिश, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, बहुत कुछ किया है, और हर चीज का लॉजिक आपको पता है। तो उसी तरह एक स्ट्रेट, बस एक ही स्ट्रेटजी है जिसका नाम है कॉलर, वो मुझे आपको समझाना। तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम, लिखना पहला डॉट लेते हैं, पहला पॉइंट। और पहला जो पॉइंट लिखने वाला हूं वो कैप के विषय में लिखने वाला हूं कि कैप क्या है करके। चलो तो लिखना स्टार्ट कर रहे हैं।
of form borrows at 4.5%। तो किस पे उधार लिया भाई आपने? फ्लोटिंग रेट बोरो बोरो किया, डर। अब डर किस बात का? सर रेट के बढ़ने से। एंड इट एफ्रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग, रेट बढ़ने का डर। इन दिस सिचुएशन फर्म कैन बाय एन इंटरेस्ट रेट कैप, क्यों इंटरेस्ट रेट? टू प्रोटेक्ट ऑफ रिस्क ऑफ, किस चीज का रिस्क? इंटरेस्ट रेट राइज। ये हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया हूं कि क्या है। मैंने बताया कि अगर किसी फर्म बोरो करता है, किस रेट पर बोरो करती है? फ्लोटिंग रेट पर बोरो करती है, तो किस बात का डर? रेट के बढ़ने का डर। तो रेट के बढ़ने का डर है तो भाई उसको प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैप खरीद लेंगे। और कैप कब एक्सरसाइज होगा? कैप का मतलब कॉल ऑप्शन। कब एक्सरसाइज होगा? जब रेट बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा। ठीक, तो वो यहां दूसरी लैंग्वेज, इन अदर वर्ड्स, if an investor expects that interest rate will rise in future, hence he buys interest rate cap an option premium। वैसे ऑप्शन प्रीमियम बोलता हूं तो यार वो ऑप्शन समझ में आता, तो यहां लिखते अ प्रीमियम, ज्यादा अच्छा, अ प्रीमियम टू बी पेड इन एडवांस। क्वेश्चन के साथ मैं समझाऊंगा कि इसको अमोर्टाइज क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब अमोर्टाइज करना है, कब नहीं करना। सर बात समझ में नहीं आ रही, अमोर्टाइज के बेटे क्वेश्चन आएगा ना तब वो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां तक समझ रहे कि कैप के विषय में है, कब कब कैप आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट, आपने बोरो किया है, ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और बेटे बढ़ेगा तभी आप कैप खरीदोगे, और कैप कब एक्सरसाइज होगा? जब रेट बढ़ेगा। अगर रेट कम हुआ तो हम लैप्स कर देंगे, हमारा जाएगा तो क्या जाएगा? प्रीमियम जाएगा। ठीक, तो कैप का मतलब मैंने क्या बोला था, क्या बोलना है? कॉल ऑप्शन। तो इसी तरह से एक होता फ्लोर, और फ्लोर का मतलब क्या होता है? पुट ऑप्शन। सर फ्लोर कब खरीदते होगे? वैसे आप उसके हिसाब से बताइए, हेजर्स के हिसाब से, ठीक है, स्पेकुलेशन समझ गए, गिरेगा तो फायदा, पर हेजिंग के हिसाब से, हेजिंग के हिसाब से बेटे मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है फ्लोटिंग रेट पर कई सालों के लिए,
किस बात का डर? फ्लोटिंग रेट पर। सर, रेट के गिरने से का डर? हाँ, तो उससे बचने के लिए मैं फ्लोर खरीद लेता हूं। अगर रेट गिरा, गिर जाने दो, इधर से फायदा हो जाएगा ना यार, फ्लोर खरीदा तो मैं एक्सरसाइज कर लूंगा। ठीक है सर। मतलब सर, कैप का अपोजिट है फ्लोर? यस, जैसे कॉल ऑप्शन का अपोजिट पुट ऑप्शन होता है, वैसे कैप का अपोजिट हो गया फ्लोर। तो सेम लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, थ्योरी आती है तो ये भी आपकी तैयारी हो जाएगी। इफ अ फर्म, अब बोरो नहीं आएगा, अब मैं क्या लिखूं, इन्वेस्ट्स फ्लोटिंग रेट्स एंड फर्म को किस बात का डर? एफ्रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉलिंग, इंटरेस्ट रेट के गिरने का डर इन दिस सिचुएशन। फर्म कैन बाय, फर्म कैन बाय एन इंटरेस्ट रेट फ्लोर, क्यों भाई? टू प्रोटेक्ट रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉलिंग। ठीक है, अगर मैं अपने दूसरे शब्दों में बोलूं, इन अदर वर्ड्स, इफ एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स, दैट होना चाहिए ना यार, इंटरेस्ट रेट विल फॉल इन फ्यूचर, हेंस ही बाइस अ इंटरेस्ट रेट फ्लोस। बाकी तो प्रीमियम भाई, उसमें भी देना पड़ता है, इसमें भी देना पड़ता है। प्रीमियम तो आपको देना पड़ेगा, आप अगर ऑप्शन खरीद रहे हो या कैब खरीद रहे हो, फ्लोर खरीद रहे हो, तो प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आती है। अब सर ये बताइए, कॉलर क्या है? कॉलर सुनो, कर ध्यान से समझ रहा हूं, एक बात बताऊं, अब कैप क्यों खरीदती हूँ? सर कैप तो हमको ये लगता है कि रेट बढ़ेगा, ठीक है, जब आपको लग रहा है कि रेट बढ़ेगा, आप कैप खरीद रहे हो, पक्का है ना रेट बढ़ेगा? हमने कहा पक्का तो है रेट बढ़ेगा, तो भाई एक काम करो ना, एक काम करो, जैसे कैप खरीदा तो प्रीमियम देना पड़ा, ठीक है, तो किसी को फ्लोर बेच दो। सुनना ध्यान से सर, फिर से बोलो क्या बोले, कैप खरीदिए, क्यों कैप खरीद रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना रेट बढ़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, जब आपको लग ही रहा है रेट बढ़ेगा, तो भाई आपने कैप खरीदा, प्रीमियम देना पड़ा। जी सर, जब प्रीमियम देना पड़ रहा है तो पैसा तो चला गया जेब से, तो क्यों ना उसको कवर करते थोड़ा सा थोड़ा सा। और हम क्या करेंगे, हम फ्लोर बेच देंगे। सर फ्लोर बेचेगा का मतलब क्या हुआ? मतलब बड़ा सिंपल है, हम फ्लोर क्यों खरीदते हैं? सर हमको लगता है कि रेट कम होने वाला है, तो सुनो, हमको लग रहा है रेट बढ़ने वाला, तो हमने कैप खरीदा। जी हाँ बढ़ेगा तो हम एक्सरसाइज, और जब पता है कि रेट तो बढ़ने वाला, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा, तो किसी को फ्लोर बेच दो,
मतलब जिसको ऐसा लग रहा है ना कि रेट कम होने वाला, चलो उसको फ्लोर बेचते और उससे प्रीमियम रिकवर कर लेते, जस्ट स्ट्रैटेजी आप समझ रहे हो। कैप खरीद रहे हो प्रीमियम देना पड़ेगा, फ्लोर बेच रहे हो तो प्रीमियम मिल जाएगा। अगर मेरे पास से प्रीमियम का ऐसे मन से बोलो 100 गया, 100 गया तो भाई 30 रुपया रिकवर भी हो गया तो भी तो 70 रुपये, 70 रुपये ही तो बड़ा कॉस्ट। कॉलर एक स्ट्रैटेजी सर, तो जितना जा रहा है उससे कम ही आएगा। हाँ बेटे, आगे मैं आपको बहुत सारी बातें लिखवाऊंगा कॉलर में क्या क्या होता है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, स्ट्राइक प्राइस कम, स्ट्राइक प्राइस ये सब लिखवाना पड़ेगा, कि कैप ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे होगा, फ्लोर कम स्ट्राइक प्राइस पे होगा, ये सब कुछ। अभी बस इतना समझ लो कि कॉलर का मतलब एक स्ट्रेटेजी, एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किस किस का? कैप और फ्लोर का। अगर मुझे लग रहा है कि रेट बढ़ने वाला, मैं कैप खरीदूंगा, और जो प्रीमियम जाएगा उसकी थोड़ी सी रिकवरी करने के लिए मैं फ्लोर बेच दूंगा, उससे मैं कैप कब एक्सरसाइज करूंगा? जब रेट बढ़ेगा। सामने वाला फ्लोर कब एक्सरसाइज करेगा? जब रेट कम होगा, मतलब फिर तो मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो एक्सरसाइज ही नहीं करता तो मेरा प्रीमियम का फायदा, ये डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं कॉलर खरीद भी सकता हूं, मैं कॉलर बेच भी सकता हूं। कॉलर खरीदना और कॉलर बेचना क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो भाई एक बार हम कॉलर के विषय में थोड़ा बहुत लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। अभी थोड़ी बहुत बातें हमने किसके विषय, सारी बातें क्वेश्चंस के साथ ही होगी बेटे, अभी ऐसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कैप के विषय में थोड़ी बहुत बातें लिखी, फ्लोर के विषय में अगर कीवर्ड्स की मैं बात करूं तो काम आएगा बेटे, एक इन्वेस्ट फ्लोर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके लिए खरीदो। दूसरा, आपको क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है तभी आप फ्लोर खरीदोगे, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो अब लिखोगे 3, पॉइंट नंबर 3, और किसके विषय में लिख रहे हैं? हम लिखेंगे कॉलर के विषय में, कि कॉलर क्या होता। तो यहां लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 3, तो यहां आएगा एन इंटरेस्ट रेट कॉलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किस चीज का कॉम्बिनेशन ऑफ? कैप एंड फ्लोर, ठीक है सर। इफ वी एक्सपेक्ट दैट इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट विल राइज, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, देन वी बाय कैप, हमने कैप खरीद लिया हायर एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस बोल सकते, वही कैप खरीदा, और कैप खरीदा तो एंड पैट, और क्या देना पड़ेगा? एंड पे प्रीमियम लिख दो, एंड पे प्रीमियम। आगे लिखो इन ऑर्डर टू कवर प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम जब मेरा बहुत सारा गया तो थोड़ा तो कम से कम कहीं से कवर हो जाए,
पे प्रीमियम इन ऑर्डर टू कवर प्रीमियम अमाउंट वी सेल फ्लोर, हम फ्लोर बेच देंगे। लोअर एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस एंड रिसीव प्रीमियम, सिर्फ कॉस्ट कम कर रहा हूं मैं अपनी स्ट्रैटेजी की, बाकी और कुछ है नहीं। एंड दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड कॉलर्स। तो कॉलर क्या है? कॉलर है कैप खरीदिए फ्लोर बेचिए, कि मैंने कॉलर खरीदा है मतलब कैप खरीदा और फ्लोर बेचा, बस आपको इतनी बात याद रखना, बाकी क्वेश्चन के साथ डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो तीन बातें हम लोगों को पढ़ना है, पहला क्या पढ़ना है कैप, दूसरा क्या करना है फ्लोर, और क्या कॉलर। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में, हमारी प्रैक्टिस में हमने दो कैटेगरी में क्वेश्चन को बांट रखा है, एक है स्पेकुलेशन के लिए और दूसरा हेजिंग के लिए। सर स्पेकुलेशन का मतलब कहीं से लोन वोन कुछ भी नहीं है, ना तो मैंने बोरो किया ना तो इन्वेस्ट किया, बस मुझे क्या लग रहा रेट बढ़ने वाला, चलो ना यार खेलते हैं और मैं कैप खरीद लूंगा, रेट बढ़ा तो पे ऑफ मिलेगा, रेट कम हुआ तो प्रीमियम ही तो जाएगा। एक तो ये हो गया स्पेकुलेशन, दूसरा हेजिंग। हेजिंग में मैं दो क्वेश्चन है हेजिंग के, दो तीन क्वेश्चन, उसमें मैं ये समझाऊंगा कि अगर आपने कहीं से बोरो किया है या कहीं इन्वेस्ट किया और आपको डर है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कैसा काम करोगे। तो दो कैटेगरी में हम बात करेंगे, कैटेगरी वन स्पेकुलेशन, कैटेगरी टू हेजिंग। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कैटेगरी वन, लिख देता हूं यहां फिर भी, पॉइंट नंबर फोर। टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप नंबर वन ये सब फॉर, सर ये सब का मतलब बेटे कैप कॉलर फ्लोर इतना सारा कौन लिखवाएगा। तो पहले बात करेंगे फॉर स्पेकुलेशन टाइप नंबर वन, और टाइप नंबर टू जो बात करेंगे फॉर हेजर्स। तो दो तरह से हम बात करेंगे, एक स्पेकुलेशन के एंगल से बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे हेजर्स के एंगल से। तो स्पेकुलेशन के एंगल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके दो क्वेश्चन हैं, वो दोनों ही क्वेश्चन अभी के अभी खत्म कर देते हैं। तो लिखोगे टाइप नंबर वन फॉर स्पेकुलेशन, फॉर स्पेकुलेशन चलो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन है, तो आपके पास बुक होगी और बुक में सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग उठाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 22 हमारी बुक, बुक का पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है सपोज दैट 1 ईयर कैप, ठीक है कैप है 1 साल का, और कैप का स्ट्राइक प्राइस दे रखा 8%। ठीक है जी, कैप कैप का मतलब यार बढ़ेगा तो फायदा, 8% है बढ़ेगा तो हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, नोशनल अमाउंट है 100 करोड़, नो डाउट नोशनल अमाउंट आप समझने लगे, स्वैप वगैरह में बहुत किया, नोशनल अमाउंट है भाई, कुछ ना कुछ तो अमाउंट चाहिए बैटिंग के लिए, यस 100 करोड़। आगे क्या लिखा हुआ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटलमेंट इज क्वार्टरली, मतलब जो भी सेटलमेंट होता है वो क्वार्टरली बेसिस होता है, एंड रेफरेंस रेट इज 3 मंथ माइबॉर,
इसका मतलब मुंबई इंडियन बैंक ऑफर रेट पर जो हो रहा है वो कि हम कैप खरीदे ऑन 3 मंथ माइबो फॉर नेक्स्ट 4 क्वार्टर इज एज फॉलोस। Q1, 2, 3, 4 माइबोर का रेट दे रखा है, ठीक है, 8.70%, 8%, 7.8%, 8.2%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पे ऑफ फॉर ईच क्वार्टर, और आपसे पे ऑफ मांग रहा है। खास बात यह है कि इसमें प्रीमियम का अमाउंट दिया ही नहीं। अगर पे ऑफ बोलता तो हम नेट पे ऑफ निकालते। नेट पे ऑफ कैसे? ग्रॉस पे ऑफ में से प्रीमियम माइनस करके नेट पे ऑफ, याद है ना डेरिवेटिव। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम मान के चल रहे कि प्रीमियम शुरू में लोन अमाउंट से ही कट गया होगा, या फिर प्रीमियम होता तो हम पक्का माइनस करते, हम ग्रॉस पे ऑफ तक काम करेंगे। तो यहां लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में क्या दिया बेटे? स्ट्राइक प्राइस दिया है। स्ट्राइक प्राइस कितना परसेंट? 8%। कैप खरीदा है आपने बाय, मतलब 8% से ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज। जो पेमेंट होगा वो क्वार्टरली सेटलमेंट होगा, ठीक है, देख लेंगे क्वार्टरली। इसके अलावा माइबोर पे बैटिंग है। अच्छा, नोशनल अमाउंट दे रखा 100 करोड़। सौ करोड़ रुपये बैठेंगे तो ठीक है, और तो कुछ है नहीं है। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ पे ऑफ, ठीक है। तो सुनो, कॉलम ना प्रॉपरली फॉर्मेट में करें तो सबसे पहले आ जाएगा पीरियड, और पीरियड में ऐसा है Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ठीक है सर। सर इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट माइबोर हो क्या गया है? माइबोर 8.7%, 8.7% के बाद है 8%, इसके बाद 7.8%, और इसके बाद 8.2%। इसके बाद जो कॉलम आएगा वो आएगा एक्सरसाइज करोगे या फिर लैप्स्ड। अब बताना बेटे, कैप है 8% से ऊपर पे एक्सरसाइज, तो सर यहां क्या होगा? यहां होगा यस, एक्सरसाइज हो जाएगा एक्सरसाइज्ड। और सर यहां, यहां तो बेटे लैप्स्ड 8% से ऊपर, और यहां भी क्या हो जाएगा? लैप्स्ड। और यहां क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज। और लास्ट कॉलम पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब ग्रॉस पे ऑफ, फिर प्रीमियम माइनस करके, नहीं प्रीमियम की इंफॉर्मेशन है या नहीं, पे ऑफ निकालते हैं। अच्छा, पे ऑफ कितने का फायदा? यहां फायदा ना है ग्रॉस पे ऑफ सर 0.7% का फायदा, कितने पे? 100 करोड़, 100 CR इंटू 0.7%, क्वार्टरली सेटलमेंट है तो 3/12, और यहां तो नो, और यहां भी नो। नो का मतलब लैप्स हो गया, तो 0 और 0, ग्रॉस पे ऑफ 0, प्रीमियम जो जाएगा वो उसकी बात ही नहीं। यहां फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 100 CR इंटू, यहां कितने का फायदा? 0.2% इंटू 3/12, देख लेते कितना आ रहा। तो ये 100 × 0.7% इंटू 3/12, तो बेटे ये आ गया 0.175 CR। अच्छा, यहाँ 100 × 0.2% इंटू 3/12, यहाँ आ गया 0.05 CR। बस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। सर ये तो पूरी तरह से कॉल ऑप्शन है। हाँ बेटे, पूरी तरह से कॉल ऑप्शन ही है, बस इसमें पीरियोडिकल सेटलमेंट होता है और मल्टीपल टाइम बैटिंग कर रहा है, बस और कुछ नहीं।
अच्छा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। और एक क्वेश्चन उठा रहा है, स्पेकुलेशन के एंगल से बात कर रहा है। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 22। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ोगे मेरे साथ साथ, बुक में आपके पास बुक है उसी में लिखा है, सपोज दैट 1 ईयर फ्लोर, फ्लोर फ्लोर मतलब सर मतलब रेट गिरना चाहिए। हाँ, और रेट कितना दे रखा है, स्ट्राइक प्राइस दे रखा 4%, नोशनल अमाउंट 200 का, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटलमेंट इज क्वार्टरली एंड रेफरेंस रेट 3 मंथ माइबोर। ठीक है, 3 मंथ माइबोर दे रखा है और पे ऑफ निकालना, वैसी वाला क्वेश्चन है, कुछ है नहीं है। तो काम काम की चीज हमारे लिए क्या है, एक तो है बेटे स्ट्राइक प्राइस, जो कि कितना परसेंट दे रखा है, 4%। ठीक है, इसके बाद नोशनल अमाउंट कितने पे बैटिंग करनी है, टू हंड्रेड सिया। ठीक है, इसके लिए सेटलमेंट क्वार्टरली होगा, वो तो कर लेंगे। और कोई इश्यू है क्या, नहीं, कौन सा है आपके पास, आपने क्या खरीदा है, फ्लोर, फ्लोर का मतलब रेट कम होने से पे ऑफ, बाकी तो कुछ नहीं, क्वेश्चन वैसे ही है। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ पे ऑफ, फॉर्मेट ये रहेगा, इसी फॉर्मेट में काम करेंगे हम लोग। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, और रेफरेंस रेट माइबोर का दे रखा है हर क्वार्टर का, यहां का दे रखा है 4.70%, और दिया है 4.40%, 40 है ना, और दिया 3.80%, और है बिट्टे 3.40%। चलो तो स्टार्ट करते, 4% से कम होगा तो एक्सरसाइज। तो सर यहां क्या हुआ, लैप्स, यार लैप्स हो गया, कम होना चाहिए, ये भी ज्यादा है, यहां भी क्या हो गया, लैप्स्ड हो गया। सर यहां तो एक्सरसाइज कर लो, हाँ बेटे यहाँ एक्सरसाइज, क्योंकि 4% से कम है, और यहां भी क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ अब की बार कितने पे बैटिंग है, 200 सिया, कितने का फायदा, 0.2%, कितने महीने का सेटलमेंट करना पड़ेगा, 3 3 महीने का, यहां भी 200 CR, कितना परसेंट का फायदा, 4.6%, कितने मंथ का सेटलमेंट होगा, 3 महीने का, देख लेते कितना आ रहा है, 200 इंटू 0.2% इंटू 3/12 बेटे 0.1 CR। ठीक है, 200 इंटू 0.6 इंटू 3/12, गड़बड़ हो गया क्या, 200 नहीं, 0.6 नहीं आएगा, कहीं गड़बड़ हो रहा है, 4 माइनस 3.4, हाँ सही, तो 0.6% परसेंट है, 200 इंटू 0.6% इंटू 3/12, हाँ सही है, 0.3 CR। तो ये आ गया मेरा पे ऑफ, इसके बाद प्रीमियम माइनस करके नेट पे ऑफ। तो यह था स्पेकुलेशन के क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, आरटीपी के क्वेश्चन है, नवंबर 2012 के आरटीपी के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है नहीं। हाँ, तो ये वाला स्पेकुलेशन वाला तो काम हो गया, अब बात करेंगे हम हेजर्स वाला, टाइप नंबर 2, उसके 2 3 क्वेश्चन है खत्म, उसके बाद स्वैप वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे।